Hey everyone, welcome to Shams IAS. I am Shivangi Sharma and here I am with chapter 5 of class 12th macroeconomics, which is government budget and the economy. So this is the second last chapter of our economy, of our whole economy. After that, one chapter will remain and after that the economy will be finished. Okay? So here is chapter 5, which is government budget and the economy. Okay? देखो, इंडिया जैसी कंट्रीज में हमारी जो कंट्री है हम इसमें बहुत प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर इन्वॉल्व है हमारी इकोनॉमी से, मतलब दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर प्रेजेंट है. दैट इज़ वाई दे आर द मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, और गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इन्फ्लुएंस करती है. काफ़ी सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करती है ना, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एक्सपेंसेस भी करती है और काफ़ी रेवेन्यूज भी कमाती है. राइट, सो दिस इज नोन एज द गवर्नमेंट बजट. इसको हम बेसिकली ब्रीफली पढ़ने वाले हैं. ठीक है, हमने पढ़ा गवर्नमेंट बजट क्या है. गवर्नमेंट बजट इज द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग. ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट, बजट, रेवेन्यू कलेक्शन. ठीक है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का कलेक्शन हम सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले. सो हियर इज वेरी फर्स्ट गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड इट्स कॉम्पोनेंट. हम एक गवर्नमेंट, मतलब देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट इन इंडिया जिसमें गवर्नमेंट को स्टेट करना पड़ता है हम उनके रेवेन्यू, उनके जो रिसिप्ट्स हैं और उनके एक्सपेंडिचर्स. ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर में, वो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है. फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल एनी पर्टिकुलर ईयर टू 31st of March ऑफ नेक्स्ट ईयर. ठीक है, डैट इज आर फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, और जो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये इसमें होता है हमारा मेन बजट. इसमें गवर्नमेंट का मेन बजट होता है. ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि दोज डेट कुछ हमारे ना मतलब दो पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं. ठीक है, बजट के दो डिफरेंट टाइप के अकाउंट होते हैं. फर्स्ट इज द रेवेन्यू बजट एंड सेकेंड इज द कैपिटल बजट. ओके, रेवेन्यू में क्या होता है, इन रेवेन्यू बजट हम अब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है सिर्फ उसी को इंक्लूड करते हैं, और जो हमारा कैपिटल बजट है इसमें हमारे सारी एसेट्स और लाइबिलिटी का भी कंसर्न होता है. ओके, इसको हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं. सर, उससे पहले हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. गवर्नमेंट बजट चाहिए क्यों. एलोकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, ताकि हमें पता चल सके कि कितना ज़रूरी है एक गवर्नमेंट का, मतलब एक गवर्नमेंट जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करती है, जो फंक्शन करती है हमारे लिए, जिसमें वो काफ़ी चीज़ें को काफ़ी एक्सपेंस भी करती है और काफ़ी रेवेन्यू भी कमा लेती है हमारे थ्रू. ठीक है, तो इन चीज़ों को स्टेबल करने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए. वो एलोकेट करने के लिए देर इज़ गवर्नमेंट बजट. ठीक है, गवर्नमेंट काफ़ी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कोई अलग मार्केट मैकेनिज्म नहीं हमें प्रोवाइड करवा सकता. जैसे नेशनल डिफेंस रोड, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी. इसके अलावा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमें नहीं प्रोवाइड कर सकता. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज पब्लिक गुड्स. ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट गुड्स का बेसिक डिफरेंस हम जाने. तो प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं. प्राइवेट गुड्स जैसे क्लोथ, कार, फूड. ठीक है, ये प्राइवेट गुड तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमें लेके दे सकता है, बट जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है. ठीक है, इनके कुछ मेजर डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ जो पब्लिक गुड्स के बेनिफिट्स होते हैं वो हर एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती. ठीक है, जबकि जो प्राइवेट गुड्स होते हैं उसमें रेस्ट्रिक्शन होती है, जो खरीदेगा वही यूज़ करेगा. अगर जैसे मान लो पब्लिक गुड है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है, पब्लिक पार्क बना रही है या मेजर ले रही है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. उससे किसी एक पर्टिकुलर के थोड़ी ना फायदा होगा, होल सोसाइटी का फायदा होगा. राइट, सेकेंड,
प्राइवेट गुड सिर्फ वही इंजॉय कर सकता है जो उसके लिए पे करता है, ठीक है। सपोज आप कोई भी शॉप में जाके एक चिप्स का पैकेट ही लेकर आते हो, आप पे करते हो, आप ही खरीदते हो, ठीक है, आप ही के पास आएगा वो। जबकि जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन फीसेबल होते हैं, उनकी कोई फीस नहीं लगती है, ठीक है। और उसके अलावा हर एक आदमी, कोई भी पर्सन उससे बेनिफिट्स ले सकता है, डैट इज़ वाई पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, ओके, ठीक है। उसके अलावा इवन इफ सम यूजर्स डू नॉट पे, इट इज़ डिफिकल्ट एंड समटाइम इम्पॉसिबल टू कलेक्ट फीस फॉर द पब्लिक गुड। पब्लिक गुड से मैक्सिमम टाइम हम पे नहीं करते। जो आपके एरिया पे पार्क होता है, पब्लिक पार्क, उसके लिए आप पे करते हो, नहीं करते हो, राइट। सो डैट इज़ वाई दीज नॉन पेइंग यूजर्स आर नोन एज फ्री राइडर्स, ओके। दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शन। पब्लिक प्रोविजन क्या होता है? पब्लिक प्रोविजन दे आर द फाइनेंस थ्रू द बजट एंड दैट कैन बी यूज बाई एनी डायरेक्ट पेमेंट और पब्लिक गुड्स मे बी प्रोड्यूस बाई द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर, ओके। जो गुड्स डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है दैट आर पब्लिक प्रोडक्शन। एंड वट इज पब्लिक प्रोविजन? पब्लिक प्रोविजन आर समथिंग विच इज फाइनेंस्ड बाई गवर्नमेंट, ओके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो, जितना भी आपका पर्सनल इनकम होता है उसमें से जो आप स्पेंड कर देते हो, डैट इज़ योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट। तो जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को इफेक्ट करता है किसी भी हाउस होल्ड के। कैसे? क्योंकि हम लोग, क्योंकि वो लोग हमसे, गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस भी पे करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है, ट्रांसफर्स भी कलेक्ट करती है, ठीक है। इट इज़ थ्रू दैट दिस इज़ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है और उसको फेयर कर सकती है बाय सोसाइटी, ठीक है, कि कितना एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाना चाहिए उसके बेसिस पे, मतलब एंड में जो एक पर्सन के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको एक गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट में, मतलब उसको चेंज कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ इनकम को चेंज कर सकती है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके। नेक्स्ट इज द स्टेबिलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो, द ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस इन द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जितना डिमांड है, व्हाट इज द डिमांड, उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई होगी मार्केट पे, राइट। तो जितना लोग स्पेंड करने के लिए तैयार है, चाहे वो प्राइवेट इकोनॉमिक एजेंट हो, मतलब जो गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो कितना कितना स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, डैट इज समथिंग कॉल्ड डिमांड। तो दिस इन टर्न डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑफ इनकम एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। देखो, इनकम और क्रेडिट अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही तो हमारी डिमांड चेंज करेगी, राइट। सो कभी ऐसा होता है कि डिमांड एक्सीड्स अवेलेबल ऑप्शन, अवेलेबल आउटपुट अंडर द कंडीशन ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट एंड दिस गिव राइट टू इन्फ्लेशन। कभी ऐसा होता है ना कि डिमांड इंक्रीज हो जाए और चीज़ें इतनी मार्केट में है ही नहीं। अगर सपोज कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, सपोज बटर है, ठीक है, बटर की डिमांड इज 50, 50 बटर की डिमांड है बट सप्लाई तो है ही नहीं। सपोज सप्लाई सिर्फ 10 यूनिट्स की सप्लाई आती है, तो उन 10 यूनिट्स का अमाउंट बढ़ जाएगा, राइट, बढ़ जाएगा ना। तो वो जो अमाउंट बढ़ जाएगा उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। तो अगर डिमांड कम है तो इन्फ्लेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे कंडीशंस लेने पड़ते हैं ऐसे सिचुएशन में, ताकि हम जो डिमांड है उसको रिड्यूस कर सकें, ठीक है। द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट वेदर टू एक्सपेंड डिमांड और रिड्यूस इज कंस्टिट्यूट द स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अब गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करेगी कि कितना उसकी डिमांड एक्सपेंड होनी चाहिए या रिड्यूस होनी चाहिए। सो डैट इज़ वाई इट ऑल्सो कंस्टिट्यूट द स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट। वट इज़ रिसिप्ट? रिसिप्ट हमने अभी ऊपर पढ़ा। वट वॉज रिसिप्ट? रिसिप्ट वॉज जो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारी जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, चेंजेस इन द सेंस हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम जो चीज़ें, मतलब जो हमारे फाइनेंशियल, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो भी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, डैट इज़ इन रेवेन्यू अकाउंट एंड ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू बजट, राइट। सो सबसे पहले आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो कि गवर्नमेंट के क्लेम पे नहीं होती है, ठीक है, और ये नॉन रिडीमेबल होती है, जिनको आगे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
टैक्स रेवेन्यू एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट का, क्योंकि फॉर लॉन्ग बीन ये डिवाइड किए गए हैं टैक्सेस पे, एक पर्सनल के लिए एक पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, फर्म के लिए डैट इज़ अ कॉरपोरेशन टैक्स। उसके अलावा उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज़ के ऊपर टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटीज़, फिर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो होते हैं ये कस्टम ड्यूटीज़ आ गए, सर्विस टैक्स, ठीक है, ये सारे टैक्सेस है। उसके अलावा कुछ ऐसे टैक्स है जो इतना कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं देते हैं, ठीक है, जैसे वेल्थ गिफ्ट और एस्टेट ड्यूटी, तो इनको पेपर टैक्सेस बोला जाता है, ठीक है। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव है ये अचीव किया जा सकता है एक प्रोसेस से, डैट इज थ्रू प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन। इसका क्या मतलब है, अगर इनकम हाई होता है तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, ठीक है, इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर इनकम किसी भी पर्सन की राइज करती है तो टैक्स भी उसी के रेशियो में हाई होना चाहिए, ठीक है, दैट इज समथिंग नोन एज द प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन। बिकॉज देखो, उसके अलावा फर्म्स आर टैक्स ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस, फर्म प्रोपोर्शनल बेसिस पे ही टैक्स किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें जो भी एक्साइज ड्यूटी है, जो नेसेसिटीज़ है वो एक्सटेम्प्टेड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कंफर्ट है और सेमी लग्जरी है वो मॉडरेटली टैक्स होते हैं, जैसे और जो लग्जरीज है जैसे तंबाकू एंड पेट्रोलियम ये हैवीली टैक्स्ड होते हैं, ठीक है, इनमें काफ़ी हाई टैक्स लगा होता है। जैसे जो लग्जरी है और जो तंबाकू है, पेट्रोल है, इनमें काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर टैक्स होता है। उसके अलावा जो कि सेमी लग्जरीज है जो और कंफर्ट्स है उनमें मॉडरेट टैक्स होता है। उसके अलावा जो भी नेसेसिटीज़ है, जो ज़रूरी है, जो ज़रूरतमंद है, जो एक्साइज टैक्सेस है, उसमें लो रेट ऑफ टैक्स देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उनमें बेसिकली क्या आता है, उसमें आता है ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, फीस एंड अदर रिसीप्ट्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके, दैट इज इट। अब हम बढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, व्हाट अबाउट कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट वॉज द लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो अब देखो, गवर्नमेंट को भी पैसे रिसीव करते हैं बाय द वे ऑफ लोन्स, और अपने एसेट्स को बेच के जो गवर्नमेंट पैसे कमाती है वो तो कैपिटल रिसिप्ट में ही आएगा, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट में हम क्या डिस्कस करते हैं, हम किस चीज़ को ध्यान देते हैं, डैट इज आर एसेट्स एंड आर लाइबिलिटीज, राइट। सो जो लोन हम किसी भी एजेंसी से लेते हैं हमें वो वापस तो करना होता है, डैट इज़ वाई दे आर लाइबिलिटी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट एसेट्स बेचती है, जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनके शेयर्स बेचते हैं, ठीक है, जिसको हम PSU डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि हमारे में तो कमी आ रही है, ठीक है, डैट इज़ वाई डैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। अगर वो हमारे पास रहता तो डैट विल बी इन्वेस्टमेंट, हमें उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट में इंटरेस्ट मिलता रहता, राइट। So all those receipts of the government which create liability or reduce final assets are termed as capital receipts. जो भी चीज़ें, जो भी ऐसी government की transaction, वो सारी receipts जिससे liabilities बढ़ती है या फिर हमारे जो financial assets है उसमें reduction होता है, they are termed as capital receipts, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन। एक्सपेंडिचर को भी सिमिलरली डिवाइड किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे देखो, जो रेवेन्यू बजट है उसमें अभी तक हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, सॉरी। सो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें क्या क्या हमने पढ़े, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, और जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें हमने बेसिकली यही पढ़ा कि क्या क्या कि मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे चेंजेस आता है, ओके। अब हम एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ द क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स के लिए जो हम खर्चा करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी टाइप के फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट के लिए खर्चा करती है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स, नॉट टू पार्ट्स बट टू, जस्ट क्लासिफाइड इंटू टू एक्सपेंडिचर विच वॉज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है।
सो प्लान एक्सपेंडिचर एज द नेम नेम सजेस्ट प्लान एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू द सेंट्रल प्लान्स, ठीक है, वो सब कुछ प्लान करके चलती है गवर्नमेंट कि ये इन इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हम जो है हमारा एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, चीज़ें खरीदेंगे. ओके, सो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टेट्स द सेंट्रल प्लान्स ऑफ, जैसे कि जो हमारे फाइव ईयर प्लान्स थे एंड सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान्स, ठीक है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के असिस्टेंस के लिए हमें जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी खर्चा करना है वो, ठीक है, जबकि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लान नहीं होते हैं और ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक कंपोनेंट तो है बिकॉज ये काफ़ी एक बड़ा रेंज कवर करता है इकोनॉमिक और सोशल सर्विसेज का, ठीक है. जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनके जो मेन चीज़ें हैं डेट आर इंटरेस्ट पेमेंट्स डिफेंस सर्विसेज सब्सिडी सैलरी एंड पेंशन. बिकॉज आप पहले तो नहीं सोच के रख सकते ना कि जो डिफेंस सर्विसेज है या सब्सिडी सैलरीज है या फिर कि ये इतनी ही जाएगी, वो तो बढ़ भी सकती हैं, है ना, पेंशन बढ़ भी तो सकती, हो सकता है इस ईयर पर्टिकुलरली ज़्यादा लोग रिटायर हो जाए, उसका तो आप कैलकुलेशन नहीं रख सकते एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आउट द कंट्री कितने सारे लोग होंगे तो कितनी सैलरीज जाएंगी, कितने न्यू जॉब्स होंगे, कितने लोग पेंशन मिलेगी, और हो सकता है डिफेंस सर्विसेज में इस बार हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ जाए, ज़्यादा नीचे करने की ज़रूरत पड़ जाए. ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो देयर आर एक्सपेंडिचर जिससे हमारी फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स में इंक्रीमेंट हो और हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में रिडक्शन हो, जैसे गवर्नमेंट लैंड बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड लोन एंड एडवांस इन सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट PSU एंड अदर पार्टीज, ये चीज़ें गवर्नमेंट खरीदेगी तो क्या होगा, हमारी एसेट्स में इंक्रीमेंट होगा, राइट. कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है प्लान और नॉन प्लान में, ठीक है. प्लान एक्सपेंडिचर होता है वो जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसको प्लान करके रखती है गवर्नमेंट कि हाँ इस बार हम ये चीज़ें करेंगे कि हमारे एसेट्स में इंक्रीमेंट हो, जबकि जो नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता है ये कवर करता है जनरल सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं बैलेंस सरप्लस एंड डिफिसिट बजट. सपोज हमारा जो रेवेन्यू है डैट इज इक्वल टू द मनी डैट वी स्पेंड आर सॉरी रेवेन्यू इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है हमारा बजट बैलेंस्ड है, ठीक है. अगर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, इसका ये तो सिचुएशन है कि मतलब हमारे पास प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, सपोज इफ इट नीड्स टू इनक्यूर हायर इनकम इट विल हैव रेस्ड अमाउंट थ्रू टैक्सेस इन ऑर्डर टू कीप द बजट बैलेंस. जब टैक्स कलेक्शन एक्सीड्स द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर द बजट इज सेंट टू बी सरप्लस, अगर हमारे पास ज़्यादा टैक्स आ जाता है तो डैट इज सरप्लस, ठीक है. जबकि जो इस सिचुएशन का बिल्कुल अपोजिट कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू, ठीक है, हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सीड कर जाता है, ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट हो जाता है, ठीक है. मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट के मेजर्स पढ़ने वाले हैं हम आपकी कुछ. देखो रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट. हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द रिसिप्ट, ऐसी सिचुएशन इज डेफिसिट, राइट. जब भी हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, हमारा खर्चा ज़्यादा है और हमारी जो रेवेन्यू है वो कमी है, ठीक है, तो डैट इज समथिंग टू बी वरीड अबाउट बिकॉज एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, इसका मतलब है कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं रेवेन्यू इज सपोज टू बी ग्रेटर देन डैट, है ना, ताकि हम प्रॉफिट में रहें, ताकि जस्ट टू बी इन द सेफर साइड. बट अगर रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसका मतलब कि हम डेफिसिट फेस कर रहे हैं, ठीक है. सो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्टेड बाय रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, सिंपल एज दैट. अब आता है फिस्कल डेफिसिट, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है और जो टोटल रिसिप्ट्स है इंक्लूडिंग द बोरिंग्स, दैट इज फिस्कल डेफिसिट. जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है उसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस्ड बाय द रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट. ओके, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है विच आर नॉट बोरोइंग्स, ठीक है, तो ये मतलब डेट को नहीं रेज देता, हमारे ऊपर कर्जा नहीं चढ़ता है. ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है
नॉट बोरोइंग एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। जितना भी हम बोरो 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 कर लेते हैं डेट और बोरोइंग इज आर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब आता है प्राइमरी डेफिसिट। जो हमारी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट होती है डैट इज इक्वल टू द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट सब्ट्रैक्टेड बाय द नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़। जो लाइबिलिटीज इंटरेस्ट के साथ जाएगी उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट के साथ। ठीक है, जो नॉन नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ द इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन नेट डोमेस्टिक लैंडिंग। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल पॉलिसी के बारे में। देखो, थ्रू चेंजेस इन इट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस द गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज आउटपुट एंड इनकम एंड सीक स्टेबिलाइज इन अप्स एंड डाउन्स ऑफ द इकॉनमी। किसी भी इकॉनमी में अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही होंगे, राइट? किसी भी अगर इकॉनमी में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इसका मतलब है कि वो इकॉनमी काम करती है, डेट इकॉनमी इज वर्किंग। तो उस इकॉनमी को स्टेबलाइज रखने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत तरह के एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में चेंजेस लाता रहता है ना, आउटपुट और इनकम में। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्रिएट्स अ सरप्लस और अ डेफिसिट। देखो, फिस्कल पॉलिसी या तो सरप्लस बना देती है या तो डेफिसिट हो जाती है बजट की। ठीक है, मतलब इक्वल नहीं होता बेसिकली, या तो ज़्यादा ही हो जाएगा हमारे पास बजट, इट विल बी अ सरप्लस, या फिर डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, रादर देन अ बैलेंस बजट, ये बैलेंस बजट नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, इफ़ वट फॉलोज वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द गवर्नमेंट सेक्टर इन अन्य एनालिसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द इनकम। देखो, अगर हम टैक्सेस के बारे में पहले पढ़े तो हम वी एज्यूम कि गवर्नमेंट हमें बता देगी टैक्स, एक लमसम टैक्स बता देगी कि इनकम के अकॉर्डिंग कितना टैक्स वो इम्पोज करेगी। डैट इज अ काइंड ऑफ लमसम टैक्स विच इज इक्वल टू कैपिटल टी। मतलब कि गवर्नमेंट ये इम्पोज कर देगी, ये बता देगी कि इनकम के बेसिस पे एक लमसम टैक्स कितना जाएगा। ठीक है, डैट इज लमसम टैक्स इक्वल टू टी, इक्वल्स टू टी। ठीक है, सो वी एज्यूम थ्रूआउट द एनालिसिस द डैट गवर्नमेंट मेक्स अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो फिर जो कंजप्शन फंक्शन होगा डैट विल बी एज फॉलोज। अगर वी नो डैट टैक्स इज लोअर डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजप्शन, टैक्स कम होते हैं और कंजम्पशन भी कम हो जाती है। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर कोई 1,00,000 रुपये कमाता है तो 10,000 टैक्स देता है, शी हैज़ द सेम डिस्पोजेबल इनकम फॉर समवन। और ठीक है, और डिस्पोजेबल इनकम सम किसी के लिए 90,000 ही है, बट वो टैक्सेस नहीं पे करता। तो फिर जो एग्रीगेट डिमांड आर्ग्यूमेंट की जो डेफिनेशन आएगी डैट विल बी दिस। ओके, अब हम पढ़ते हैं चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजेस कैसे आते हैं? अगर हम इफ वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग गवर्नमेंट परचेज कीपिंग टैक्स कांस्टेंट। अगर टैक्स कांस्टेंट है तो जो परचेजेस है, ऐसे में जब जीटी को, मतलब जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस को एक्सीड कर देता है जो गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट को डेफिसिट हो जाता है। अब अगर गवर्नमेंट को कर्जा है, गवर्नमेंट के पास इनकम पैसे की कमी है, तो गवर्नमेंट कहीं से तो उसको कवर करेगी, राइट? जब ऐसे सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट बेसिकली टैक्स भी बढ़ा देती है। ठीक है, डिमांड एक्सीड सप्लाई एंड फर्म एक्सपेंड प्रोडक्शन। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट जो डिमांड है वो सप्लाई एक्सीड कर जाती है और फर्म एक्सपेंड प्रोडक्शन, और फर्म जो है वो प्रोडक्शन एक्सपेंड कर देती है। ठीक है, फिर न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था। ठीक है, सो द फाइनल इक्वेशन जो हमें मिलेगी डैट इज चेंज इन वाई इज अपॉन चेंज इन जी विच इज इक्वल टू 1/(-C)। ठीक है, चेंज इन टैक्सेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर गवर्नमेंट के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो मल्टीप्लायर है उसमें चेंजेस आएंगे तो टैक्स की तो टैक्स में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि अगर डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट कहीं से तो वो कवर करेगी, और जितना जितना चेंज आता है हमारे एक्सपेंडिचर में, हमारे टैक्सेस में भी उतना ही चेंज आएगा। ठीक है, द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर चेंज इन वाई ऑब्लिक चेंज इन जी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, समथिंग देयर इज टू बी कंसर्न अबाउट,
केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्सेस. अ मोर रियलिस्टिक अजम्पशन वुड बी डैट गवर्नमेंट कलेक्ट्स अ कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन टी. जो गवर्नमेंट है वो हमारी इनकम से एक कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन कलेक्ट करता है टी, विच इज़ वॉट, विच इज टैक्स. ठीक है, ऐसी सिचुएशन में सो जो डैट टी इज इक्वल टू टी ऑब टी वाई द कंजम्पशन फंक्शन डैट प्रोपोर्शनल टैक्सेस इज गिवन बाय दिस. ठीक है, सो देखो जो प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स होता है ना, ये एक एज अ ऑटोनोमक एज अ सॉरी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर काम करता है. बिकॉज जो प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स है ये क्या है, ये है कि जो जैसा चेंज आएगा हमारी एक्सपेंडिचर में उसी अकॉर्डिंग टैक्स में भी चेंज आएगा, जिससे हमारी जो है इकोनॉमी स्टेबल हो पाए. ठीक है, अ स्टॉक ऑब्जर्वर शॉक ऑब्जर्वर बिकॉज इट मेक डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम इज कौन सी इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम जो हम खर्च करते हैं. एंड दस जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है लेस सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन जीडीपी. ऐसी सिचुएशन ग्रो कर देता है कि हमारे जीडीपी में सेंसिटिवनेस कम हो जाती है, फ्लक्चुएशन नहीं होती है. व्हेन जीडीपी राइजेस डिस्पोजेबल इनकम ऑल्सो राइजेस. ठीक है, बाय द लेस देन राइज इन जीडीपी बिकॉज अ पार्ट ऑफ इट इज शिपेंड ऑफ एज टैक्सेस. आई होप आप समझ गए होंगे, इट्स सिंपल एज दैट कि जितना जिस रेट से जीडीपी ग्रोथ करती है उस रेट से इनकम ग्रोथ नहीं करती है, बिकॉज उसका एक थोड़ा सा पार्ट जो है वो एज अ टैक्सेस हटा दिया जाता है, जो हम एज अ टैक्स पे कर देते हैं. ठीक है, जब जीडीपी का फॉल होता है डिस्पोजेबल इनकम भी फॉल करती है शार्पली. ठीक है, कंजप्शन ड्रॉप नहीं होता, कंजप्शन तो उतना होगा ही होगा. ठीक है, अदरवाइज वुड हैव फॉलन हैड अ टैक्स लाइबिलिटी बीन फिक्स. दिस रिड्यूसेस द फॉल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड स्टेबलाइजेस द इकोनॉमी. ठीक है, दिस इज द बेसिक बेस विच वी हैड रेड. सो फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कैन बी वेरिड ऑफ द ऑफसेट अफेक्ट ऑफ द इनडिजायरेबल शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट डिमांड. फिस्कल पॉलिसी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं, इसीलिए वेरी किए जाते हैं, ताकि जो भी अगर कोई भी शिफ्ट आता है, एक अनडिजायरेबल शिफ्ट आता है हमारी डिमांड इन्वेस्टमेंट डिमांड में, तो हम उसको ऑफसेट कर सके, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट ना आए. अगर जो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 से I0 से I1 में फॉल कर जाती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग G0 से G1 में इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, सो डैट जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है और जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो सेम रहे. तो ऐसी सिचुएशन में जब हम जो एक्शन लेते हैं टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, दिस इज नोन एज द डिस्क्रेशनरी फिस्कल पॉलिसी. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफर्स. We suppose that instead of raising government spending in goods and services, government increase the transfer payment. Government transfer payment भी increase कर सकती है. ठीक है, अगली जो important, बिल्कुल important चीज़ है, that is debt. What is debt? That is कर्ज, जो हम कर्ज लेते हैं. ठीक है, अगर budgetary deficit हो रही है बहुत high amount में, taxation भी मतलब बढ़ ही रही है, borrowings, अगर बजटरी डेफिसिट हो रही है तो उसको फिर से फाइनेंस करने के तीन तरीके हैं, टैक्सेशन, बोरिंग एंड प्रिंटिंग मनी. या तो तुम पैसा छाप दो, गवर्नमेंट को बोलो कि पैसा और पैसा छापे, या फिर टैक्सेशन बढ़ा दे जो हमने ऊपर पढ़ लिया, और नेक्स्ट चीज़ आती है बोरो करे, कर्ज ले. ठीक है, तो गवर्नमेंट ज़्यादातर बोरोइंग्स पे ही रिलाई करती है जब किसी भी टाइप की ऐसी प्रॉब्लम आती है, डेफिसिट्स देखने को मिलती है, एंड दिस इज़ नोन एज गवर्नमेंट डेट. जो डेफिसिट और डेट का कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है, क्योंकि अगर डेफिसिट होगी तभी डेट आएगा. ठीक है, डेफिसिट जो है वो फ्लो होता है और डेट जो है वो स्टॉक होता है, बेसिकली यही डिफरेंस है. ठीक है, अब आता है पर्सपेक्टिव ऑफ एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट डेट. देखो गवर्नमेंट जो है वो डेट तो लेगी. ठीक है, अगर एप्रोप्रिएट अमाउंट है मतलब काफ़ी, गवर्नमेंट क्या डेट लेगी, किस बेसिस पे डेट लेगी, वो तो बेसिकली स्टेबल होता है, मतलब फिक्स होता है कि इस बेसिस पे गवर्नमेंट इस इतना डेट लेगी. ठीक है, किसी और ट्रेडर की तरह गवर्नमेंट मतलब टैक्सेशन नहीं बढ़ा के या फिर पैसे नहीं छापने बैठ जाती है, इंस्टेड ऑफ वो मनी बोरो करती है. ठीक है, अब ऐसे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन आती है जिसको हम बोलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस. मतलब इसमें बेसिकली होता क्या है कि सपोज़ अब कि अगर
सपोज कोई भी ऐसा है कि डेफिसिट आ गई है, ठीक है, तो जो चीज़ें पहले कंज्यूम करते थे अभी भी वही कंज्यूम करते रहने के लिए आप क्या करोगे, आप उतना पैसा खर्च करोगे, बट ऐसा नहीं होता है। जब डेफिसिट आती है तो लोग पैसे सेव करना शुरू कर देते हैं ताकि आने वाले टाइम पे भी वो उनके पास कुछ बचे, है ना। इसको इक्विलेंस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट अर्ग्स दैट टैक्सेशन एंड बोरिंग्स आर इक्विलेंट मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर। वैन द गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग बाय बोरिंग टूडे विच विल बी रिपेड बाय टैक्सेज इन द फ्यूचर। जो गवर्नमेंट आज खर्च जो आज बोरो कर रही है वो फ्यूचर में टैक्स के थ्रू ही रीपे किया जाएगा। इट विल हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज एन इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज फाइनेंस बाय द टैक्स इंक्रीज टूडे। ओके, डेफिसिट रिडक्शन। अब इस डेफिसिट को हम हटा मतलब घटा कैसे सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन टैक्स जो हमने पढ़ा, या फिर एक्सपेंडिचर में रिडक्शन लाओ। अगर हमें डेफिसिट हटानी है तो बेसिकली या तो हमें एक्सपेंडिचर में रिडक्शन लानी पड़ेगी या तो हमारी जो टैक्सेस है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंडिया में गवर्नमेंट ज़्यादातर ट्राई करती है टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू विद अ ग्रेटर रिलायंस ऑन डायरेक्ट टैक्स। ओके, सो देर हैज़ और ऐसे भी अटेम्प्ट किया जाता है जिसमें हम अपने PSU के शेयर सेल करते हैं, मतलब सेल ऑफ आर एसेट, जिससे हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में रिडक्शन ला सके। ठीक है, दिस कुड बी अचीव थ्रू मेकिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ मोर एफिशिएंट। और अगर हम बेटर प्लानिंग करें, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करें, तो ऑफकोर्स ये डेफिसिट हमें फेस करने को नहीं मिलेगी, राइट। कटिंग बैक गवर्नमेंट्स प्रोग्राम जो जो जैसे जो एग्रीकल्चर है, एजुकेशन, हेल्थ है, प्रॉवर्टी एलेवेंस है, एक्सेट्रा, इसमें भी अगर हम कुछ चेंजेस लाएं तो भी हमारी इकोनॉमी डायरेक्टली एक बड़ा इफेक्ट ला सकती है। ठीक है, उसके अलावा इसके जो मेन फीचर्स है वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे FRBMA इंडिया में। इंडिया की जो FRBMA है विच इज़ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो इसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स लिए गए हैं जिससे कंट्री के डेफिसिट को कंट्रोल कर सके। बेसिकली ये रिक्वायर करती है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है वो 0.3% ही होना चाहिए ऑफ GDP ईच ईयर। हर ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 0.3% ही होना चाहिए और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0.5%। ठीक है, डैट भी थ्रू टैक्स रेवेन्यू। द नेसेसरी एडजस्टमेंट, जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है उसको भी कुछ मतलब एक्सपेंडिचर में रिडक्शन लाओ ताकि जो नेसेसिटी एडजस्टमेंट है वो हम कर सकें। ठीक है, उसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मतलब डैट मस्ट नॉट सब्सक्राइब टू द प्राइमरी इशूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द ईयर 2006-07। ठीक है, सो here that is it for the video and the chapter as well. I hope you like it, and the very last chapter is remaining. So yes, thank you very much.